सर ये स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। हाउ डू आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग और वे डू यू कंट्रोल इट? मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? आई डोंट नो सर सर, थ्री ये डॉट्स यहाँ पे होते थ्री हैं डॉट्स हैं, उस यहीं पे पे आ आप रहे हैं। मोर एक्शन में आता है। सर यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग तो हो रही है। चले ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन शेयर नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। चले कंटिन्यू करते हैं देन। इफ इट इज रिकॉर्डिंग देन इट्स फाइन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी, वी टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन जनरल एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल मैसेजेस। तो यहाँ पे हमने अपनी डिस्कशन जो है वो लास्ट टाइम कंक्लूड की थी, तो आज हम उसी डिस्कशन को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और विल स्टार्ट ऑफ विद द कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। सो जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास थ्री बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दे आर दी ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। सो ये तीन इंटेग्रल पार्ट्स हैं जो कि हर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा दो तीन ब्लॉक्स और हैं जो कि एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वन इज द डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो चैनल है, डिपेंडिंग अपॉन द चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक सर्टन काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, नॉइज या इंटरफेरेंस जो है वो आपके सिग्नल में ऐड करता है। सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे इनपुट एक्स है और ये डिस्टॉर्शन या नॉइज एन है फॉर एग्जाम्पल, तो जो रिसीव सिग्नल होगा आपका वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एन आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा होगा, क्योंकि ये जो नॉइज है ये ऐड हो जाती है आपके चैनल से गुजरने के बाद आपके इनपुट सिग्नल के अंदर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास दो ब्लॉक्स हो रहे हैं, एक है इनपुट ट्रांसड्यूसर और एक है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। सो जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, एज द नेम सजेस्ट, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके इनपुट मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करती है इनपुट सिग्नल के अंदर। यानी कि जिस तरह हमने माइक्रोफोन की एग्जाम्पल दी थी कि एक माइक्रोफोन जो है उसका काम है कि आपकी वॉइस को कन्वर्ट करे इंटू डिजिटल सिग्नल्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, नाउ दे आर इन द शेप के वो एक ट्रांसमीटर की मदद से यू कैन ट्रांसमिट इट ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। सो जितने भी डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन हो सकता है, आपका कैमरा हो सकता है, और उसके अलावा एनी अदर डिवाइसेस जिससे आप कोई एक सोर्स से इनपुट ले रहे हैं, कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, यस कीबोर्ड आपकी जो टाइपिंग है उसको, टचपैड हो सकता है, एग्जैक्टली। तो इस तरह की जो डिवाइसेज हैं, दीज आर ऑल इनपुट ट्रांसड्यूसर्स जो कि आपकी इनपुट को कन्वर्ट करते हैं इनपुट सिग्नल के अंदर। और अब वो सिग्नल जो हैं, नाउ यू विल ट्रांसमिट दो सिग्नल्स यूजिंग द ट्रांसमीटर, और वो सिग्नल चैनल से गुजर के उसमें नॉइज वगैरह ऐड हो जाएगी एंड यू विल रिसीव इट एट द रिसीवर। और यहाँ पे भी आपके पास जो आउटपुट सिग्नल आएगा, इट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। और अब उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को विजुलाइज करने के लिए कि वो एक्चुअल इनपुट मैसेज जो था वो बेसिकली क्या है, उसके लिए हमें एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर की जरूरत होती है। जिस तरह अगर माइक्रोफोन है तो यू वुड नीड अ स्पीकर, अगर कोई कैमरा था तो हो सकता है कोई एलसीडी स्क्रीन या टीवी आपको चाहिए होगा, ठीक है। इन आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स की मदद से आप उस मैसेज को विजुअलाइज कर सकते हैं एट द रिसीवर साइड। सो द सोर्स एनकोडर कन्वर्ट्स मैसेज इनटू मैसेज सिग्नल्स। तो ये जो आपके पास ट्रांसड्यूसर है, दिस इज बेसिकली योर सोर्स इनकोडर, के जो आपका मैसेज जनरेट हो रहा है फ्रॉम द सोर्स, ये इसको इनकोड कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और उन सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट करते हैं अपने सिस्टम में से। एंड द ट्रांसमिटर कन्वर्ट्स द मैसेज सिग्नल इनटू द फॉर्मेट अप्रोप्रिएट फॉर चैनल ट्रांसमिशन, एनालॉग हो या डिजिटल सिग्नल्स हो। तो ये जो ट्रांसमिटर का काम है कि वो उस सिग्नल को ट्रांसमिट करे थ्रू द चैनल आफ्टर डूइंग सर्टन प्रोसेसेस, वो हम आगे जाके देखेंगे कि ट्रांसमिटर के अंदर किस किस्म के प्रोसेसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बोथ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के केस में। और फिर चैनल का काम क्या है कि चैनल कन्वेज द सिग्नल बट मे इंट्रोड्यूस अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें जो है आपका चैनल जो है वो आपके सिग्नल में इंट्रोड्यूस कर सकता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन
द टाइप ऑफ चैनल, ये जो चैनल है इसकी टाइप क्या है. और हम आगे प्रॉब्ली शायद इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि चैनल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरह हम चैनल्स को करैक्टराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर. तो वो भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे. सो एंड देन द रिसीवर, इट डिकोड्स द रिसीव सिग्नल बैक इन टू द मैसेज सिग्नल. तो अगेन जो रिसीवर होगा उसका काम है कि उस सिग्नल को वापस रिकवर कर सके इन टू द ओरिजिनल फॉर्म. And the source decoder decodes the message back into the original message. तो ये जो आपके पास output transducer है, इसका काम है कि वो signal को original message की form में ले आए, so that you can get the actual information that was intended for the end user. तो ये जो एक पूरा block diagram आपको नजर आ रही है, this is a basic block diagram of a communication system. अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा advanced form में देखें, and we try to talk about the transmitter and receiver in general. तो आपके पास ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला, ऑल दीज सब ब्लॉक्स, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं आपके ट्रांसमीटर को. और जो ये नीचे वाले ब्लॉक्स हैं, ये आपके रिसीवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज योर चैनल. तो ये आपके पास अगेन एक सोर्स है, ठीक है, जो सोर्स वो है जो कि आपका सिग्नल जनरेट कर रहा है. एंड देन यू हैव अ सोर्स एनकोडर. अगेन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि ये जो सोर्स एनकोडर होता है, ये आपके सिग्नल को कन्वर्ट करता है. आपकी ऑडियो अगर वॉइस है फॉर एग्जांपल, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. देन यू हैव अ इनक्रिप्टर, देन यू हैव अ चैनल एनकोडर, देन यू हैव अ मॉड्यूलेटर, एंड देन इट पासिस थ्रू द चैनल. और फिर इन्हीं के इनवर्स प्रोसेस जो है वो दोबारा आपके पास परफॉर्म होंगे. अगर मॉड्यूलेटर है तो वो डीमॉड्यूलेटर से गुजरेगा, चैनल इनकोडर है तो चैनल डिकोडर से फिर वो चीज गुजरेगी, अगर वो इनक्रिप्टर है तो फिर वो डी इनक्रिप्टर से गुजरेगा, और अगर सोर्स इनकोडिंग हो रही है तो वो सोर्स डिकोडिंग से गुजरेगा. अब ये इंडिविजुअली क्या चीजें हैं, कि सोर्स इनकोडर क्या करता है, इनक्रिप्टर क्या करता है, चैनल इनकोडर क्या करता है, और मॉड्यूलेटर क्या करता है. सो जो सोर्स इनकोडर है, इट कंप्रेसेस द मैसेज टू रिमूव रिडंडेंसी. जो आपका सोर्स एनकोडर है, ये जो पहला पार्ट आपका आ रहा है, इसका मेन मकसद ये होता है. एंड नॉर्मली ये जो हम ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि ये जो सोर्स एनकोडिंग, इनक्रिप्टिंग, चैनल एनकोडर, ये सारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं. एनालॉग के केस में यू ओनली हैव दिस मॉड्यूलेटर एंड यू हैव दिस डीमॉड्यूलेटर. ये दो पार्ट्स होते हैं खाली एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है. लेकिन ये जो एडिशनल फीचर्स हैं, सोर्स इनकोडर, इनक्रिप्शन और चैनल इनकोडिंग का, ये वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि आपके डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट एक्चुअली गिव यू सर्टेन बेनिफिट्स. और वो बेनिफिट्स क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो जो पहला आपका ब्लॉक है सोर्स इनकोडर का, ये क्या करता है, ये आपके मैसेज में से जो रिडंडेंसीज हैं उनको रिमूव कर देता है. तो बेसिकली रिडंडेंसी से मुराद है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सोर्स है ये एक डिजिटल सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास एक एनालॉग सोर्स है, इसके बाद एक डी टू ए कन्वर्टर, सॉरी ए टू डी कन्वर्टर लगा हुआ है, और वो ए टू डी कन्वर्टर उस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. सो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास 1010011 इस तरह की फॉर्म में डाटा आपके पास आ रहा है. तो जो सोर्स एनकोडर है, ये क्या करता है कि ये आपके उस मैसेज सिग्नल में से देखता है कि कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास रिडंडेंट है. और इसी तरह आपके पास सोर्स एनकोडिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से आप रिडंडेंसीज को रिमूव करते हैं. एंड बाय रिमूविंग द रिडंडेंसीज, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स से फॉर एग्जांपल 1000 थी, जब आपने इसमें से रिडंडेंसीज रिमूव कर दी, तो फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 750 रह गई. अब ये 750 बिट्स को ट्रांसमिट करना, इट वुड बी मच क्विकर देन ट्रांसमिटिंग 1000 बिट्स. तो इसका मतलब है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 10 seconds लग रहे थे 1000 बिट्स को सेंड करने के लिए, तो 750 के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा, यू वुड जस्ट नीड 7.5 सेकंड्स. तो इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन आप जल्दी ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर द चैनल, क्योंकि उसकी अमाउंट या इसकी जो क्वांटिटी है वो कम है. तो जो कंप्रेशन है, ये आपको एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपना हायर डाटा रेट आप अचीव कर सकें. यानी अब इस केस में 7.5 सेकंड्स में आप अपनी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो जो 2.5 सेकंड्स आपने बचाए हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तो सेंड कर सकते हैं आप. सो यू विल बी यूजिंग द एग्जैक्ट 10 सेकंड्स, लेकिन अब आपने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की, हो सकता है इट वुड बी इक्वलेंट टू 1200 बिट्स. तो आपका बेसिकली इन्फॉर्मेशन रेट जो है वो बढ़ गया इस केस में. तो हम क्या करते हैं, सोर्स इनकोडर जो है इन बिट्स को मैनिपुलेट करके, इनमें से अगर कोई रिडंडेंसीज हैं,
अब वो किस तरह की इनकोडिंग स्कीम्स होती है, वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट बिकॉज दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस कोर्स. तो सोर्स एनकोडिंग से हमें रिडंडेंसीज रिमूव करने की कैपेबिलिटी मिलती है. फिर हमारे पास जो ब्लॉक आता है वो आता है इंक्रिप्शन का, और जिस तरह नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, इंक्रिप्शन क्या करता है कि ये आपके जो आपकी जो सिग्नल है या जो आपका जो डाटा है इसको इंक्रिप्ट कर देता है ताकि ईवड्रॉपर्स या फॉल्स मैसेजेस का इशू आपके पास ना. ईवड्रॉपर का मतलब है कि अगर आपके कम्युनिकेशन चैनल में कोई टैप कर लेता है तो वो उस आपके उस मैसेज को रिसीव कर सकता है, वो देख सकता है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं. लेकिन अगर आप उस डाटा को इनक्रिप्ट कर देंगे, इनक्रिप्ट का मतलब है कि आप उसको एक खास इनक्रिप्शन स्कीम के साथ उस डाटा को बिल्कुल उसकी फॉर्म चेंज कर देंगे, तो अगर कोई बंदा ईवड्रॉपिंग कर भी रहा है तो ही वुड नॉट अंडरस्टैंड कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन सेंड की है. ठीक है. और फॉल्स मैसेजेस, अगेन फॉल्स मैसेजेस का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक इन्फॉर्मेशन सेंड की है, अगर कोई एक बंदा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, अगर एक बंदा जो है वो आपके चैनल में टैप इन कर लेता है एंड यू डोंट हैव दिस इंक्रिप्शन ब्लॉक, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे टैप करके वो अपना एक मैसेज जो है वो आपके सिस्टम में डिफ्यूज कर दे. अब आप उसके मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू योर चैनल, तो आपके रिसीवर पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी वो एक फॉल्स मैसेज होगा. आपने वो मैसेज भी ट्रांसमिट किया, वो जो एक ईवड्रॉपर था, जो एक एक्सटर्नल सोर्स थी या कोई और ऐसा बंदा था जो कि आपके सिस्टम को टैप कर रहा है, वो आपको फॉल्स मैसेजेस भेज सकता है. एंड इन सम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस इसका बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है. मिसाल के तौर पर मिलिट्री में अगर आप किसी दुश्मन के कम्युनिकेशन चैनल को टैप कर लेते हैं तो यू कैन गिव आउट फॉल्स मैसेजेस कि जी अपनी आर्मी को रिट्रीव करने का मैसेज भेज दें या उनको एडवांस करने का मैसेज भेज दें. तो इन सर्टेन केसेस दिस कैन बी वेरी डेविस्टेटिंग. तो जो इंक्रिप्शन है ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट ब्लॉक होता है किसी भी एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं. बट इन एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ दिस इंक्रिप्शन. आप डायरेक्ट सोर्स से डाटा जनरेट करते हैं और आप उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट मॉड्यूलेशन इज. फिर आपके पास चैनल इनकोडर का एक ब्लॉक आता है. अब ये भी एक सर्टन ऐसे आपके पास एक चैनल इनकोडर है, ये आपका जो डाटा इनक्रिप्ट हुआ हुआ है उसके अंदर कुछ खास रिडंडेंसीज खुद इंट्रोड्यूस करता है. अब सो पहले आपने रिडंडेंसीज रिमूव की थी, अब आप उन रिडंडेंसीज को ऐड करेंगे. उन रिडंडेंसीज को ऐड करने का फायदा ये होता है कि जब आपका सिग्नल चैनल में से गुजरेगा और उसमें नॉइज वगैरह जो है वो इफेक्ट होगी, तो रिसीवर साइड पे मैं अपने चैनल डिकोडर में हम उन रिडंडेंसीज को यूज करके वी कैन सी कि यार क्या मेरा डाटा करप्ट तो नहीं हुआ उस नॉइज की वजह से. और इसकी सबसे जो बेसिक एग्जांपल है वो ये है कि आपके पास जिस तरह पैरिटी चेक कोड्स होते हैं, यू नो व्हाट पैरिटी चेक कोड्स आर, कि आपके पास एक डाटा है 1011, मैं कहता हूँ इसकी इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी, तो आप देख लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं. तो अगर आप ऑड पैरिटी करना चाह रहे हैं, आप इसमें एक वन और ऐड कर देते हैं, तो नाउ दिस वन इज ए रिडंडेंसी है. लेकिन अब रिसीवर साइड पे अगर कोई बिट चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये वन जो है ये जीरो हो जाता है, मैं देखना चाह रहा था कि मेरे पास इवन वंस होने चाहिए लेकिन नाउ आई एम गेटिंग ऑड वंस, तो मुझे वो पैरिटी बिट चेक करके मुझे पता चल गया कि यार ये जो डाटा है ये करप्टेड है. सो आई कैन आस्क द ट्रांसमिटर टू सेंड दैट इन्फॉर्मेशन अगेन. तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि हमने एक बिट की रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन हमें ये पता चल गया कि अगर चैनल की वजह से किसी एक बिट में कोई करप्शन आई है, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये जो पैकेट हमें मिल रहा है इसके अंदर एरर है, तो वी नीड अ रीट्रांसमिशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. तो ये तो बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल है एरर डिटेक्शन कोड्स की. जो आपके पास चैनल इनकोडर्स होते हैं इनमें बेशुमार किस्म के कोड्स हैं, BCH कोड है, कन्वोल्यूशनल कोड है, रीड सोलोमन कोड्स हैं. ये सारे कोड्स आपके डाटा में रिडंडेंसी खुद ऐड करते हैं, लेकिन उनका फायदा ये होता है कि कुछ कोड्स ऐसे हैं जो कि एरर को खाली डिटेक्ट करते हैं, जिस तरह पैरिटी चेक कोड जो है ये डिटेक्ट करता है खाली, ये उसको ठीक नहीं कर सकता. लेकिन कुछ कोड्स ऐसे हैं जो कि वन बिट को, टू बिट को, एरर को यूजिंग द डिकोडर इटसेल्फ वो उस वैल्यू को करेक्ट भी कर सकते हैं. उस तरह के कोड्स को हम कहते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स. ठीक है. तो लेकिन ऑब्वियसली जितनी हायर कैपेबिलिटी आपको चाहिए होगी उतनी ज्यादा रिडंडेंसी आपको ऐड करनी पड़ेगी उसके अंदर. जितनी ज्यादा रिडंडेंसी ऐड करेंगे एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैपेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन आपका जो डाटा रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा रिडंडेंसी ऐड कर रहे हैं. रिडंडेंसी से बराबर है कि एक्चुअल डाटा आपका 1000 बिट्स का था, आपने इसमें 500 बिट्स और ऐड कर दी.
अब आपको पहले 10 सेकंड लग रहे थे डाटा सेंड करने के लिए, अब आपको 15 सेकंड लगेंगे उसको सेंड करने के लिए. तो आपका जो डाटा रेट है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्रांसमिटिंग, वो बढ़ गई है बेसिकली. तो इट इज बेसिकली अ ट्रेड ऑफ कि आपको रिलायबिलिटी ज्यादा चाहिए या आपको थ्रूपुट ज्यादा चाहिए. थ्रूपुट का मतलब है कि ज्यादा डाटा आप भेज सकें ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो ये सारा कॉम्प्रोमाइज आप अपने सिस्टम डिजाइन करने के अंदर इन चीजों को यू कीप एन आई ऑन दैट. फिर आपके पास जो ब्लॉक आ जाता है, दिस इज द मॉड्यूलेटर. ये जो आपके पास ब्लॉक है, मॉड्यूलेटर का काम ये होता है कि ये जो डिजिटल इनपुट है, आप ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में अप टिल योर चैनल इनकोडर, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये 1010 इस फॉर्म में आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है. तो जो मॉड्यूलेटर है ये आपके वो इन डिजिटल इनपुट्स को एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो आप चैनल से उसको गुजार सकें. तो एक चीज तो आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए और आगे भी आप ये चीज माइंड में रखें, और इवन के डिजिटल कम्युनिकेशन का जब आप कोर्स पढ़ेंगे उसमें भी आपने ये चीज याद रखनी है कि जो ट्रांसमिशन होती है वायरलेस, आपके चैनल में से जो भी सिग्नल गुजर रहा है वो हमेशा एक एनालॉग सिग्नल होगा. ख्वाह आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एनालॉग है या वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डिजिटल है, इन एनी केस आपकी जो ट्रांसमिशन होती है वो हमेशा एनालॉग की फॉर्म में होती है, क्योंकि आपके पास जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं वो सारे एनालॉग हैं. आप उन सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेरा एक सिग्नल है जो कि इस वक्त प्रोपगेट कर रहा है. तो अगर आपके पास एक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो आपका जो ट्रांसमिटर है ये भी एक एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस कर रहा होगा, और ये ट्रांसमिट जो है ये भी एक एनालॉग सिग्नल कर रहा होगा. अगर आप एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं तो उसका सिस्टम इस तरह होगा कि आपकी सोर्स जो है वो एनालॉग है, फिर आपने यूज किया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर आपका पूरा ट्रांसमीटर काम करेगा, और फिर आप एक डी टू ए कन्वर्टर यूज करेंगे और फिर उस सिग्नल को आप ट्रांसमिट करेंगे. तो जो आपके पास एक्चुअल ट्रांसमिशन हो रही होती है वो एनालॉग ही होती है. तो ये जो मॉड्यूलेटर है इसका काम ये है कि अगर आपके पास डिजिटल इनपुट यहाँ पे आ रही है तो वो उसको उस अप्रोप्रिएट एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि आप उसको अपने एंटेना के थ्रू उसको आप ट्रांसमिट कर सकें ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ distances over the period of time. सर एक क्वेश्चन है जी. सर अगर मॉड्यूलेटर ने सर वो एनालॉग सिग्नल में ही चेंज करना है तो सर फिर हम ये एनकोडर में सर उसको डिजिटल में क्यों चेंज करते हैं फिर? जी अगेन, जिस तरह मैंने ये बात की कि डिजिटल कम्युनिकेशन में ये जो फीचर्स हैं आपके पास, इंक्रिप्शन, चैनल इनकोडर, सोर्स इनकोडर, अब इनके बेनिफिट्स हैं. जिस तरह मैंने आपको सोर्स इनकोडिंग का फायदा बताया कि आप अपने डेटा में से रिडंडेंसी रिमूव कर सकते हैं, मतलब से आप अपने डाटा को सेफ या प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जो आपका चैनल इनकोडर है ये आपके चैनल के इफेक्ट्स को कम कर सकता है. ये फीचर्स आपके एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं है. अभी जिस तरह हम आगे जब डिटेल पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, आप यू विल सी कि इन सिस्टम्स के अंदर आपके पास कोई सेफ्टी का एस्पेक्ट नहीं है या इसको डाटा को प्रोटेक्ट करने का कोई एस्पेक्ट नहीं है. और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप अपनी गाड़ियों में देखें, आम से लाइक 100-150 रुपए के आपको रिसीवर्स मिल जाते हैं. आप लें, उनको ट्यून करें, आपको एफएम सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फॉर एग्जांपल एफएम 101 आप सुन रहे हैं, तो 101 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आप ट्रांसमिशन शुरू कर दें तो कोई भी रिसीवर उसको रिसीव करना शुरू कर देगा. इवन आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि उस गाड़ियों में एफएम ट्रांसमीटर्स मिलते हैं. आप अपनी गाड़ी में वो एफएम ट्रांसमीटर लगाएं और वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं आपके फोन के साथ. तो आप अपने फोन पे कोई गाना प्रेस करें, आपके पास कोई कोई एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो आपके मोबाइल फोन से जो डाटा है वो उस एफएम ट्रांसमीटर में जाता है, और वो एफएम ट्रांसमीटर जो है से 100 मेगाहर्ट्ज़ या 101 वो आप ट्यून कर सकते हैं. उस फ्रीक्वेंसी पे वो ब्रॉडकास्ट करना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट जो है वो बहुत लो पावर होती है तो उसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती. तो आप आराम से अपनी गाड़ी का जो रेडियो है वो ट्यून करें उस फ्रीक्वेंसी पे, तो आपको वो गाना सुनने को मिल जाएगा, जबकि एफएम 101 पे तो वैसे कोई ट्रांसमिशन हो रही होती है. तो ये जो सिस्टम है या ये जो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है ये इतने ज्यादा सिक्योर नहीं है. कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक एफएम 100 के ऊपर कोई ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो एनीवन कैन डू ट्रांसमिशन ऑन एफएम 101 या एफएम 100. इसीलिए जो पाकिस्तान की जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड है उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि एफएम का जो बैंड है, फॉर एग्जाम्पल 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़, जो आप अपनी गाड़ियों में भी देखते हैं कि आप जब चैनल ट्यून करना शुरू करते हैं तो 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक आपको एफएम के चैनल्स मिल रहे होते हैं. तो वो वैसे स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि भाई ये जो बैंड है 88 मेगाहर्ट्ज़ से 188 मेगाहर्ट्ज़,
से 108 मेगाहर्ट्ज, ये बैंड कोई और सर्विस यूज ना करे, ठीक है। इसी तरह जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एएम का बैंड है, उसका भी जो बैंड है वो स्टैंडर्डाइज्ड है कि आपने इस बैंड को किसी और सर्विस के लिए यूज नहीं करना। अगर कोई और सर्विस इसको यूज करेगी तो यू विल बी गेटिंग इंटरफेरेंसेस फ्रॉम दोज सोर्सेज एज वेल। तो चूंकि एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे पास ये फीचर्स नहीं है, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हम इस डिजिटल डोमेन में जाते हैं, जहां पे हमें ये सारे फायदे जो हैं ये हमें मिल जाते हैं, एंड वी कैन यूज दीज सिस्टम्स फॉर मोर सेंसिटिव एप्लीकेशंस, ठीक है। और इनके बारे में जो फर्दर डिटेल्स हैं, ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, सिस्टम में इंप्रूवमेंट कहाँ से आती है, ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट कोर्स के अंदर इंशाल्लाह, व्हिच इज अबाउट डिजिटल कम्युनिकेशन। ये जो मॉड्यूलेटर है ये चैनल के लिए किसी सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ना उसको, तो अगर हम कुछ ऐसा चैनल यूज करें जो डिजिटल ट्रांसफर कर सकता हो डाटा, तो फिर क्या जरूरत उसे एनालॉग, फिर आपको मॉड्यूलेटर की जरूरत नहीं है। अब आपके जो कंप्यूटर्स हैं बेसिकली, ठीक है, आपने लैन की केबल कनेक्ट की, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, इनके बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो आपका डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, वो वन और जीरोस की फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि ये जो चैनल है इसके लिए आपको अपने सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपका जो इंटरनेट है वो आपका उसकी बैकबोन पे ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर पे आप लाइट पल्सेस को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, चूंकि वो बहुत ज्यादा हाई डाटा रेट को सपोर्ट कर सकते हैं, आपको उसमें एनालॉग में सिग्नल को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें लाइट को या जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है आप उसको चेंज करके अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर चैनल, योर ट्रांसमिटर, योर रिसीवर, जो कि इन सारे फीचर्स को डिजाइन करने में उनका बेसिकली कंस्ट्रेंट होता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि जब भी हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसकी सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जो आपके गाड़ियों के रेडियोज या घर में जो आपने रेडियोज रखे हुए हैं उसमें जो ट्रांसमिशन हो रही है वो एनालॉग हो रही है, क्योंकि हम अभी जो बाकी वायर्ड हो गया या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन हो गई या फिर आपके पास कोएक्सियल केबल के थ्रू जो कम्युनिकेशन, जो आपकी टेलीफोन लाइंस हैं दे ऑल यूज दीज कॉपर वायर्स, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे, हम बात ये करेंगे कि हमने अपने सिग्नल को एक वायरलेस चैनल से जो है वो हमने पास करना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल जो है बेसिकली हम कम्युनिकेशन चैनल में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इट कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्मेट अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका कहने का मेन मकसद यह है कि आपका जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है आपके कम्युनिकेशन सिस्टम ने अपने सिग्नल को उसके हिसाब से उसको फॉर्मेट करना है। जैसे कि मैंने बात की कि अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करना पड़ेगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको लाइट सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा। इसी तरह आपका अगर सिग्नल जो है वो किसी कोएक्सियल केबल है या बीएनसी केबल है, बीएनसी कनेक्टर्स ये लगे हुए हैं, दिस इज अ कोएक्सियल केबल, उससे अगर उसने गुजारना तो इट हैज टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ठीक है। और यही अगर फॉर एग्जांपल आप वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसने उन सिग्नल्स को एक एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि वो उस मीडियम के अंदर से वो सिग्नल प्रोपगेट कर सके। आप ये नहीं कर सकते कि सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करें और कहें कि मैं इसको कोएक्सियल केबल से गुजारूंगा, यू कैन नॉट डू दैट। It is the job of the communication system to convert the information into an appropriate form. So, जो भी आपका जो channel होगा, क्योंकि जब भी आप कोई communication system design करते हैं, you know what kind of channel you're actually targeting. आप कोई एक microwave link use कर रहे हैं, या आप कोई satellite channel use कर रहे हैं, या optical fiber use कर रहे हैं, या आप BNC coaxial cable use कर रहे हैं, you know what kind of channel you're actually targeting. So, जो channel है basically it is the central to operation of a communication system, ठीक है, it's a main part, क्योंकि आपका communication system ही उस channel को tackle करने के लिए आपने design करना है कि भाई मैंने data wirelessly भेजना है, now what kind of communication channel communication system I need to design, या मैंने अपना data optical fiber से भेजना है तो I need to design my communication system according to that requirement. तो जब हम channels की बात करते हैं तो channel की जो types हैं उसमें कुछ channels होते हैं they are linear channels, ठीक है, ये लीनियर क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे प्रॉब्ली इन चैप्टर नंबर 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जस्ट एज अ जनरल अगर हम बात करें तो लीनियर चैनल्स जो हैं, जितने भी आपके वायरलेस चैनल्स हैं, ये जो मोबाइल रेडियो आप अपना मोबाइल पे
कन्वर्सेशंस करते हैं, दीज चैनल्स आर लीनियर इन नेचर. ठीक है, अब लीनियर क्या होता है या फिर नॉन लीनियर क्या होता है, इट्स सेल्फ डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर में फर्क क्या है और वो किस किस्म की डिस्टॉर्शन या इंटरफेरेंस या अटेनुएशन इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सिग्नल के अंदर. विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह लेटर. सो आपके पास जो लीनियर चैनल्स हैं दे आर लाइक मोबाइल रेडियो, जैसा ये आपके पास एक माइक्रोवेव लिंक लगा हुआ है, दिस इज अ लीनियर चैनल. नॉन लीनियर चैनल्स जितने भी सैटेलाइट चैनल्स हैं, जैसा ये आपके पास एक KU बैंड की डिश लगी हुई है, ये जो आपके पास सैटेलाइट के साथ आपका लिंक बना हुआ होगा, दिस काइंड ऑफ चैनल इज ए नॉन लीनियर चैनल. फिर आपके पास कुछ चैनल होते हैं जो टाइम इनवेरिएंट होते हैं. ठीक है, टाइम इनवेरिएंट का मतलब है, इनवेरिएंट का मतलब, वेरिएंट का मतलब है, इस ये वर्ड निकला है वेरिंग से, वेरिंग का मतलब होता है चेंज होना, इनवेरिएंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो. ठीक है, सो वो चैनल जिसके अंदर आपका सिग्नल विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड अ टाइम इनवेरिएंट चैनल. और उसकी एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर की. जब आप ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल की शेप चेंज नहीं होती विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो सिग्नल आप इसकी इनपुट पे देंगे, इसकी आउटपुट पे जो आपको सिग्नल मिलेगा वो एग्जैक्टली उसी शेप का होगा. मिसाल के तौर पे आपने इसकी इनपुट पे सिग्नल दिया, फॉर एग्जांपल एक साइन वेव दी, तो इसके दूसरे एंड पे भी आपको एग्जैक्टली यही चीज मिलेगी. इसमें कोई शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, एग्जैक्टली यही चीज आपको मिलेगी. तो इस किस्म के चैनल को कहते हैं टाइम इनवेरिएंट चैनल. और कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो लीनियर भी होते हैं और टाइम इनवेरिएंट भी होते हैं. ठीक है, और आपने सिग्नल एंड सिस्टम्स में एक वर्ड पढ़ा होगा LTI सिस्टम्स, पढ़ा है आपने LTI? जी सर सुना होगा. अब वो LTI सिस्टम्स का मतलब क्या है कि वो एक सिस्टम है जो कि लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है. ठीक है, अब इसमें जो LTI के फीचर्स है वो सारे इसमें एप्लीकेबल है. एक LTI सिस्टम भी हो सकता है, LTI चैनल भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम भी एक चैनल की तरह ही है कि सिस्टम में से आपके डाटा ने गुजरना है तो उसमें एक लीनियर चेंज आएगा या टाइम इनवेरिएंट चेंज आएगा. इसी तरह जो चैनल्स होते हैं वो भी LTI हो सकते हैं कि वो लीनियर बिहेवियर शो कर रहे हैं और टाइम इनवेरिएंट बिहेवियर शो कर रहे हैं. तो आपका एक चैनल है वो नॉन लीनियर भी हो सकता है और टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है, या एक चैनल नॉन लीनियर भी हो सकता है और टाइम वेरिएंट भी हो सकता है. तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होते हैं मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स के केस में. तो अब अगर आपके पास एक टाइम वेरिंग चैनल है तो वो आपका मोबाइल रेडियो है, यानी जो आप अपना वायरलेस चैनल यूज कर रहे हैं वो आपका एक टाइम वेरिंग चैनल है. यानी अगर आप अपने वायरलेस चैनल में से अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो रिसीवर साइड पर जब आपको सिग्नल मिलेगा तो वो सिग्नल अपनी शेप चेंज कर चुका होगा. जब उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो रिसीवर के लिए डिफिकल्टी होगी कि पता करने में कि ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा डिजाइन करें जो टाइम वेरिंग चैनल्स के इस इंपैक्ट को ओवरकम कर सके एट द रिसीवर. सो दैट इज द चैलेंज इन डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, सो द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स चैनल बैंडविड्थ. ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की, फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेरे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, मैं आपसे पूछूंगा ये कम्युनिकेशन सिस्टम कितनी इंफॉर्मेशन भेज सकता है, तो मैं एक फिगर आपको दूंगा. मैं कहूंगा कि ये वैल्यू जो ये सिग्नल है ये सिस्टम 1 GB/s इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, यानी कि हर एक सेकेंड में 1 GB/10⁻ ट्रांसमिट कर सकता है. या मैं कहूंगा कि ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है वो से 1000 bits/s ट्रांसमिट कर सकते हैं. ये उसकी कैपेसिटी है कि ये सिस्टम कितनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो ये जो वैल्यू है 1000 bits/s या 1 GB/s, ये डिपेंड कर रही होती है आपके चैनल के बैंडविड्थ के ऊपर कि कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिटिंग योर इंफॉर्मेशन. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं तो इसकी बैंडविड्थ कम होगी. अगर आप एक ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं तो उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई आपके जो इंटरनेट की ट्रैफिक है इट इज ऑल बीइंग सेंड ओवर ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि आपको इस पे बैंडविड्थ बहुत ज्यादा मिलती है. बैंडविड्थ को आप यूं समझ सकते हैं कि इट्स बेसिकली अ पाइप. ठीक है, ये एक पाइप है जिसकी एक खास विड्थ है. अब जिस तरह आपके पास एक वाटर टैंक है उसके साथ एक पानी का पाइप लगा हुआ है. ठीक है, अब पाइप की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पानी उसमें से फ्लो करेगा. पाइप उसमें आप कम विड्थ का यूज करेंगे तो उसमें से कम पानी निकलेगा.
तो बेशक आपने पीछे एक बहुत बड़ी मोटर लगाई भी है जो पानी सक कर रही है उस टैंक में से और वो पुश कर रही है आउट, बड़ी कोई 1000 horsepower की आपने मोटर लगा ली है, लेकिन उसके आगे आपने से फॉर एग्जाम्पल 1/2 inch का पाइप लगा दिया है, तो अब उस 1/2 inch के पाइप की दूसरे एंड पे कितना पानी निकलेगा, वो उतना ही निकलेगा जो 1/2 inch के पाइप में से गुजर सकता है। ये नहीं हो सकता कि पीछे आपने इतनी हॉर्स पावर का पंप लगाया हुआ है तो वो उतना ही पानी जो है थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स पर सेकंड निकाल रहा होगा, नहीं, इट इज कंस्ट्रेंड बाय दैट पाइप। और यही पाइप अगर आप 1/2 inch की जगह से 1 feet का लगा लेते हैं तो यू विल सी कि दैट मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग नाउ और दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर इज नाउ बीइंग थ्रोन आउट ऑफ दैट पाइप। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर भी यही चीज होती है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन रेट है आपका वो सब्जेक्ट टू चैनल बैंडविड्थ होता है कि आपने चैनल कौन सा यूज किया हुआ है। अब इसी तरह अगर हम बात करें चैनल्स की तो जो कॉपर वायर है उसकी जो बैंडविड्थ है वो तकरीबन 1 megahertz है, यानी कि 1 mega cycles per second उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इसी तरह कोएक्सियल केबल जो है इसकी 100 megahertz है। जो माइक्रोवेव लिंक्स हैं ये गीगाहर्ट्ज में इनकी कैपेसिटी होती है और जो ऑप्टिकल फाइबर है ये थाउजेंड्स ऑफ गीगाहर्ट्ज में इसकी कैपेसिटी होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन योर कम्युनिकेशन चैनल इट विल डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन यू कैन ट्रांसमिट ओवर दैट चैनल। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिग्नल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो जो मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है ये आ जाता है जब आप अपने सिग्नल को तैयार कर चुके हैं फॉर ट्रांसमिशन, अब आप उस सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे एक एनालॉग फॉर्म के अंदर जो के आप ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू एंटेना, जो आपका एंटेना लगा हुआ है, ठीक है। तो चूंकि हम इस कोर्स में बात कर रहे हैं एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू मॉड्यूलेशंस ओनली बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम स्कीम्स, ठीक है। यही दो स्कीम्स हैं, एक का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द अदर वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब बेसिकली दोनों मॉड्यूलेशंस काम कैसे कर रही होती है, यहाँ पे हम सिर्फ एक जनरल बात करेंगे, बाकी इसकी मैथमेटिक्स और इसका एनालिसिस और वो सारी चीजें विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह लेटर ऑन। सो जब भी हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो एक चीज आपको याद अपने माइंड में रख लेनी है कि मॉड्यूलेशन का वर्ड का मतलब है मॉड्यूलेट करना, मीन्स या आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मॉड्यूलेशन, और अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूँ तो मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसमिट करनी है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस तो आप क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को किसी एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर आप उसको सेंड कर दें, यानी जो कैरियर है आपका वो उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाएगा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और इसकी 2-3 वजूहात भी हैं, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, कुछ शायद आपको ना पता हो। मिसाल के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, जो आपका सिग्नल है बेसिकली, वो क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरी वॉइस है, ये मेरा मैसेज है, मैसेज सिग्नल है बेसिकली, ठीक है। ये सिग्नल जो है ये एक ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है, जिस तरह आप गाने वगैरह सुन रहे होते हैं रेडियोज के ऊपर, या ये स्पीच भी हो सकती है, ठीक है। इन एनी केस ये जो सिग्नल है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है मैक्सिमम, अगर आप ऑडियो की रेंज देखें तो वो 20 hertz से 20 kilohertz तक है, ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज है इसकी। यानी आपका जो मैक्सिमम सिग्नल हो सकता है वो इतनी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, 20 kilohertz, ठीक है, मैक्सिमम। नॉर्मली इसकी वैल्यू जो है ये फ्यू kilohertz तक होती है, जो आपकी ऑडियो की वैल्यू है। अब मैं अगर इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यूजिंग एन एंटेना, तो जो एंटेना का साइज होता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सिग्नल की वेवलेंथ के ऊपर। तो मैं कहता हूं उसकी जो लेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है सी बाय लैम्डा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ।
तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं अपनी अपनी लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ सी बाय फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 × 10⁻³। सी जो है ये 3 × 10⁸ है। तो आप ये देख रहे हैं कि लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है ये 10⁵ आ रही है, यानी 100,000 मीटर्स। ठीक है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है 20 किलोहर्ट्ज का सिग्नल जो है इसकी वेवलेंथ जो है वो 100,000 में है बेसिकली, तकरीबन 1.5 × 10⁵। और जो एंटेना होता है, एंटेना की जो डायमेंशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की, वो तकरीबन लैम्डा बाय 2 पे हम उसकी डायमेंशन सेट करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आपने 20 किलोहर्ट्ज का सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो आपको एंटीना की लेंथ कितनी चाहिए होगी, तकरीबन 50,000 मीटर्स या 50 किलोमीटर का आपका एक एंटीना होगा तो आप इस सिग्नल को वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप एक 50 किलोमीटर का एंटीना तो नहीं यूज कर सकते। हमारे पास तो जो एंटेनाज हैं वो तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इवन कि अब तो आपके मोबाइल फोन्स में एंटेनाज हैं जो कि आपको नजर भी नहीं आते कि वो कहाँ हैं। लेकिन अगर आप थोड़े पुराने फोन हेडफोन्स देखें तो उनके ऊपर छोटे छोटे एक एंटेनाज जो हैं वो ऊपर लगे हुए होते हैं। तो वाई दोज एंटेनाज आर वेरी स्मॉल इन साइज, कि हम बेसिकली इस 20 किलोहर्ट्ज़ की इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेट कर देते हैं 1 से 200 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल के साथ। तो बेसिकली ये 200 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल मेरे इस 20 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को कैरी कर रहा होता है। अब मैं अगर 200 मेगाहर्ट्ज़ को देखूंगा तो उस केस में जो लेंथ निकलेगी वो हो सकता है शायद 0.5 मीटर्स निकले, विच इज मोर प्रैक्टिकल इन अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो मॉड्यूलेशन के और भी बेशुमार फायदे हैं, वो जब जरूरत पड़ेगी तो विल टॉक अबाउट दोज बेनिफिट्स। सो वन बेनिफिट इज कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज वायरलेसली अगर ट्रांसमिट करना है तो आई नीड टू मॉड्यूलेट माई सिग्नल टू अ हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये चीज अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हम उसको मॉड्यूलेट करेंगे कैसे। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक कैरियर चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। यू कैन सी ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, यू कैन सी फ्रॉम द नंबर ऑफ साइकल्स। और जो मेरा सिग्नल है वो एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी एक साइकिल के अंदर इसके मल्टीपल साइकिल्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दिस सिग्नल इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। दिस सिग्नल जो आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है इसको हम एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैरियर है, कैरियर की वजह से हम सी लिख रहे हैं, और ये मैसेज है इसलिए हम इसको एम लिख रहे हैं। तो ये मेरा कैरियर है और ये मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है जो मैं ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ। तो जो दो मॉड्यूलेशन स्कीम्स हमारे पास हैं, वन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द अदर इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि हम अपने सिग्नल के एम्पलीट्यूड को यूज करेंगे मॉड्यूलेशन के लिए। और जिस तरह ये नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, इसका मतलब है कि हमने अपने मैसेज सिग्नल को यूज करना है फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने के लिए। ठीक है, तो दो तीन आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम काफी आगे भी यूज करेंगे। एक तो है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, एक आपका है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है इसका मतलब है वो सिग्नल जिसको आपने मॉड्यूलेट करना है। तो जो आपका मैसेज सिग्नल होता है दिस इज ऑलवेज योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि आपने अपने मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जब आप मॉड्यूलेट कर चुके होते हैं यूजिंग योर कैरियर तो जो आउटपुट सिग्नल आपके पास आती है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। वो एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी हो सकता है, वो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी हो सकता है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है ये टाइम टू टाइम हमारे पास आएंगी एंड यू शुड बी एबल टू सी के मॉड्यूलेटेड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या फर्क है। तो अगर हम इसकी मॉड्यूलेशन की बात अगर करें कि मॉड्यूलेशन होती कैसे है, तो हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है दिस इज अवर कैरियर सिग्नल एंड दिस इज अवर मैसेज सिग्नल दिस वन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में जो मेरा कैरियर है उसको हम मॉडिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। अब ये देखें जैसे जैसे मेरा मैसेज सिग्नल जो है ये वेरी कर रहा है, मैं इस सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देता हूं इस कैरियर से। अब ये जो कैरियर है नाउ इट विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल, ये आप देख रहे हैं।
You can see this is how it is taking the shape of that message signal. Likewise, अब और ये हम कैसे निकालते हैं? Look at this. हर एक पॉइंट पे आप इसको इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आप बेसिकली m of t को c of t के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. अब ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये अगली इन पॉजिटिव वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव. फिर ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव विल गिव यू, सॉरी पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइकिल आपके पास आ गया, एंड लाइकवाइज सो एंड सो फोर्थ. तो जब तक आपके पास यहां तक वैल्यूज आ रही हैं, जो सीक्वेंस इसका आ रहा है वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वही वेवफॉर्म जो है, इट हैज नॉट टेकन द शेप ऑफ दिस मैसेज सिग्नल, जो ये शेप आपके पास आ रही है. अब आपके पास मैसेज सिग्नल नेगेटिव हो गया, जब मैसेज सिग्नल नेगेटिव होगा आपके पास वो सीक्वेंस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो कैरियर है आपका, कैरियर विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये जो नेगेटिव वाली बात है सर, ये समझ नहीं आई, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जहां पर सिग्नल बहुत थोड़ा सा रह जाता है वो नेगेटिव पार्ट है या उससे आगे वाला जो उसका आगे, ये दिस इज नॉट टू स्केल बेसिकली. अगर ये मैं टू स्केल अगर बनाऊं ना तो उसकी शेप इस तरह की बनेगी. समथिंग लाइक दिस. वो किस तरह बनेगी मैं आपको बता देता हूँ. ये देखिए, ठीक है सर, ये सिर्फ उस चीज को जरा थोड़ा सा इन्होंने ना एक्सपेंड कर दिया, जो आपका पूरा ये साइकिल यहां से लेके यहां तक है, ये आपका बेसिकली यहां से लेके यहां तक शो हो रहा है. ये जो क्रॉसओवर है वो यहां पे है बेसिकली. ठीक है, ये जो नेगेटिव साइकिल्स आपके पास आ रहे हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर ये जो नेगेटिव साइकल्स हैं, जब वो इन सारी पॉजिटिव वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यूज भी नेगेटिव ही आएंगी आपके पास. और जब आपके पास नेगेटिव साइकल आ रहा है तो ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी. दैट इज ओनली ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन. तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो आपका कैरियर है इट विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल, और वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जो कैरियर है. अब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल. सर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में एक टाइम पीरियड कहाँ कंप्लीट हो रहा है? टाइम पीरियड से क्या मुराद है? मतलब जो ओरिजिनल वेव है बी वाली, जी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में उसका एक पूरा टाइम पीरियड कहाँ कंप्लीट हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही. नहीं देखिए, ये जो सिग्नल है ना ये तो एक रैंडम सा सिग्नल है, यहाँ पे तो एक साइन वेव बना दी है जस्ट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. ये सिग्नल कुछ भी हो सकता है, ये सिग्नल ऐसे भी हो सकता है, कोई एक वॉइस का सिग्नल भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. इसमें ये तो एक सिंपल वो है, एक डिपिक्शन है बेसिकली. हम लोग यहाँ पे इस पे जो बात करेंगे ना, हम ये कहेंगे कि ये जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से का सिग्नल शुरू हो रहा है और हम कह रहे हैं कि ये सिग्नल यहाँ पे खत्म हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ इतने सेक्शन की अगर बात करते हैं, तो इस सेक्शन को अगर मैं इस सेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो ऊपर आपका कैरियर है, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा इट वुड बी दिस सिग्नल. अब इसको जरा थोड़ा सा कंप्रेस कर लें, ये सिर्फ यहाँ पे शो करने में ना जरा उन्होंने स्ट्रेच कर दिया है इसको, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना तो इट विल बी दिस पर्टिकुलर पार्ट जो कि यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक सर, फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हो रही एम्पलीट्यूड, मतलब जो मॉड्यूलेट हो रहा है? नहीं नहीं, ये मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप पीक्स को देखें ना, ये पीक, ये पीक, ये पीक, ये पीक, ये नीचे वाली पीक, ये नीचे वाली पीक, दे शुड ऑल बी अलाइन विद ईच अदर. ये सिर्फ ये जो स्केल है ना ये थोड़ा स्ट्रेच आउट हुआ है, इसलिए आपको फ्रीक्वेंसीज की थोड़ी कम नजर आ रही है. सर, हम मैटलैब पे करके देख सकते हैं? आप मैटलैब पे करके देख सकते हो. यस ऑफ कोर्स. अच्छा, जी जी सर, ये जो AM का सिग्नल बना हुआ है तो ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही मैसेज सिग्नल नहीं आ जाना चाहिए, लाइक नीचे तो उसका मिरर इमेज होगा अगर.
जी, हम आगे जाके जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे ना, तो हम ये चीज देखेंगे कि हमें रिसीव करने के लिए वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग ऑन दिस सिग्नल, हमने सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड ही जो है वो हमने डिटेक्ट करना है। अगर मैं इन सैंपल्स के एम्पलीट्यूड को अगर डिटेक्ट कर लूं, ये जो मेरे पास है, तो मुझे इस इन एम्पलीट्यूड की मदद से ही वो शेप मिल जाएगी जो मेरे असल मैसेज सिग्नल की शेप थी। ये जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड के हाउ इट इज एक्चुअली डन। अभी हम जो सिर्फ बात कर रहे हैं, हम एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की खाली बात कर रहे हैं कि अगर मैं आपको एक सिग्नल दिखाता हूं जिसमें फ्रीक्वेंसी तो कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वही फ्रीक्वेंसी है जो आपके कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कैरियर ने अपना एम्पलीट्यूड चेंज कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। और यही बात अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि कैरियर ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल, और वो हम यहाँ नीचे वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे मैसेज सिग्नल बढ़ता जा रहा है और इस पॉइंट पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे कैरियर की फ्रीक्वेंसी शुरू में वो थी जो फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है एट दिस अप टिल दिस पॉइंट, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते 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 इस पॉइंट तक मैक्सिमम आ गई है। अब जैसे जैसे मैसेज सिग्नल जो है वो कम होता 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 जीरो पे आ गया है, तो अब ये फ्रीक्वेंसी ऐसा ऐसा कम होते 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 उस पॉइंट पे आ गई है जिस पॉइंट पे यहाँ पे थी, ये वही फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी ऐसा ऐसा कम होते 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 दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर मैसेज सिग्नल। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपके पास जनरेट हो रही है, यू कैन सी इट फ्रॉम द फिगर, और फिर यही वैल्यू इंक्रीज होते 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 जीरो हो जाती है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट अप टिल से दिस पॉइंट यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे ओरिजिनली थी आपके पास। तो बाय द लुक ऑफ दिस फिगर हम ये देख के बता सकते हैं कि जो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है उस जो सॉरी कैरियर सिग्नल है, नाउ इट्स फ्रीक्वेंसी इज नाउ बीइंग चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है। तो हम कहेंगे कि अगर मेरे पास एक सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो हम कहेंगे ये एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो अगर हम फिजिकली अगर एक सिग्नल को अगर हम देखें और हमें ये दो करेक्टरिस्टिक्स नजर आए कि यार इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर रही लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और अगर एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल लेकिन उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ये एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब हमें अगर ये वाला सिग्नल रिसीव होता है, हमने सिर्फ रिसीवर साइड पे ये करना है कि हमने देखना है कि यार इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये किस तरह चेंज हो रही है, यानी इनिशियली मेरे पास फ्रीक्वेंसी इनिशियली हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी फॉर एग्जाम्पल जो भी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, तो मैं कहूंगा ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। अब जिस रेट के साथ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है मैं उसी रेट के साथ अपनी आउटपुट को इंक्रीज करता जाऊं अप टिल दिस पॉइंट, फिर इस रेट के बाद ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो मैं अपनी इनपुट को सॉरी आउटपुट को ऐसा ऐसा डिक्रीज करता जाऊंगा, फिर ये फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आ रही है तो मेरी आउटपुट ऐसा ऐसा डिक्रीज होती जाएगी एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगी, फिर इधर से वैल्यू इंक्रीज करते करते इस पॉइंट पे आ रही है तो ये वैल्यू इंक्रीज करते करते इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो आउटपुट पे मुझे ये सिग्नल मिल रहा होगा विच इज नथिंग एल्स बट अवर एक्चुअल ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब ये आपका सिस्टम कैसे कर रहा होता है ये जब हम फिफ्थ चैप्टर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करता है। तो बेसिकली ये दो स्कीम्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सिंग का, इस पे हम अपनी आज की डिस्कशन कंक्लूड कर देंगे। मल्टीप्लेक्सिंग का जो वर्ड है ये निकला हुआ है मिक्सिंग से, ठीक है, हम मिक्स कर रहे हैं सर्टन इंफॉर्मेशन को। मल्टीप्लेक्सिंग का भी जो फीचर है ये हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो है ये हमारे पास इसका इम्पैक्ट होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल सोर्सेज से जो हमारे पास डाटा आ रहा है हम उन मल्टीपल सोर्सेज को ऐड कर देते हैं और हम अपने चैनल से उसको गुजार देते हैं। नाउ यू शुड हैव अनदर मैकेनिज्म एट द रिसीवर साइड जहां पे आप सक्सेसफुली उन इंफॉर्मेशन को सेपरेट भी कर सकें।
अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप क्या कर सकेंगे, आप मल्टीपल यूजर्स का डाटा एक ही चैनल पे से गुजार रहे हैं और रिसीवर पे वो इन्फॉर्मेशन हर एक को रिसीव हो रही है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के केस में आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर दो सिग्नल्स को मिक्स करेंगे तो यू विल लूज द इन्फॉर्मेशन एक्चुअल वन। लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में आपके पास क्या कहते हैं कैपेबिलिटी होती है कि आप डाटा को मिक्स भी कर सकते हैं, बल्कि सॉरी कुछ केसेस में हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी टाइम एंड कोड। आई थिंक कोड इज इन डिजिटल बट दीज टू स्कीम्स आर वैलिड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एज वेल। वो कैसे होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। So to combine multiple signals, analog or digital for transmission over a single line or media. So analog may be हमारे पास multiplexing होती है but it is limited. Digital में हमारे पास एक additional multiplexing scheme भी हमारे पास exist करती है. So a common type of multiplexing combines several low speed signals for transmission over a single high speed connection. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके channel की bandwidth ज़्यादा है, for example वो कैपेबल है 10 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकंड उसमें से फ्लो कर सकता है, तो आप उसके साथ 1 लीटर पर सेकंड के 10 पाइप्स अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक सेकंड में आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप लो स्पीड के सिग्नल्स को मिक्स करके एक हाई स्पीड के सिग्नल के कनेक्शन के ऊपर उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, दिस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। और आपके पास मल्टीपल मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम्स हैं, one is called the space division multiplexing, frequency division multiplexing, time division multiplexing, wavelength division multiplexing, code division multiplexing. अब जो space division multiplexing है इसका मतलब ये कि हर एक यूजर को आप एक डिफरेंट फिजिकल लिंक दे दें, ठीक है, तो हर सिग्नल जो है वो एक अलग वायर, एक डेडिकेटेड वायर आपने उसको दे दिया, एक अलग डेडिकेटेड लिंक आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, तो वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है आपके चैनल से। जिस तरह आपके वायरलेस के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल 4 एंटेनाज लगा दें, हर एक यूजर एक डिफरेंट एंटेना को फीड कर रहा है, मीडियम आपका वही है जो आपका एयर है, और इस यूजर को एक एंटीना रिसीव कर रहा है, इसका दूसरा एंटीना रिसीव कर रहा है, इसका तीसरा, इसका चौथा रिसीव कर रहा है। अब सोर्स जो चैनल है वो आपका कॉमन है, लेकिन अब आपने स्पेस में यानी पोजिशन में उनको फिजिकली सेपरेट कर दिया, सो यू कैन मल्टीप्लेक्स दैट इन्फॉर्मेशन। फिर फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग में आता है कि आप हर यूजर को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दें, एक यूजर जो है वो F1 के ऊपर ट्रांसमिट करे, एक F2 पे ट्रांसमिट करे, F3 पे ट्रांसमिट करे, एक F4 पे ट्रांसमिट करे। या आप यू भी कह सकते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं तो एक के लिए हम कैरियर यूज करें F1 फ्रीक्वेंसी, एक के लिए हम F2 यूज करें, एक के लिए हम F3 यूज करें, एक के लिए F4 यूज करें। तो रिसीवर साइड पे मैंने सिर्फ F1 का कैरियर ढूंढना है, या सेकंड यूजर के लिए मैंने F2 का कैरियर देखना है, तो मैंने चैनल वही यूज किया लेकिन मैंने डाटा को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सेपरेट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो ईच सिग्नल इज असाइंड अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप टाइम में उनको सेपरेट कर दें। आप यूजर वन को कहें कि भाई आपके पास 10 सेकंड है, आपने जो ट्रांसमिशन करनी है आप कर लें, 10 सेकंड के बाद आप रुक जाएंगे, फिर यूजर टू 10 सेकंड के लिए ट्रांसमिट करेगा, फिर आप दोनों रुक जाएंगे, फिर 10 सेकंड बाद तीसरा यूजर ट्रांसमिट करेगा, फिर 10 सेकंड के लिए अगला यूजर ट्रांसमिट करेगा, तो आफ्टर 40 सेकंड्स फिर यूजर वन जो है वो 10 सेकंड के लिए ट्रांसमिट करेगा, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपना सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होंगे, तो दिस इज कॉल्ड टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो रिसीवर साइड में भी आपको पता होगा कि पहले 10 सेकंड में यूजर वन का डाटा आएगा, फिर अगले 10 सेकंड में यूजर टू का आएगा, फिर यूजर थ्री का आएगा, फिर यूजर फोर का आएगा। और इसी का एक वेरिएंट होता है जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसमें आप देखते हैं कि किस यूजर के पास ज्यादा डाटा है आप उसको ज्यादा टाइम देते हैं, जिस यूजर के पास कम डाटा है आप उसको कहें कि भाई तुम्हारा डाटा कम है तुम थोड़ी देर के लिए ट्रांसमिट करो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फिर आपके पास एक मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम है जिसे कहते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ चूंकि लाइट के केस में होती है तो आप ऑप्टिकल फाइबर में मल्टीपल यूजर्स को डिफरेंट लाइट असाइन कर दें, लाइट से मुराद है कि उसको डिफरेंट वेवलेंथ का कैरियर दे देंगे, एक को कहें कि आप 600 नैनोमीटर पे ट्रांसमिट करें, एक को कहें आप 650 पे ट्रांसमिट कर लें, एक आप कहें 750 पे आप ट्रांसमिट कर लें, तो मल्टीपल यूजर सेम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे होंगे बट दे विल बी ट्रांसमिटिंग ऑन डिफरेंट वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और डिजिटल कम्युनिकेशन में एक बड़ा सिग्निफिकेंट
मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम है जिसे हम कहते हैं कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। और इसके अंदर क्या होता है कि हर यूजर हर टाइम पे ट्रांसमिट कर रहा है और हर फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको एक खास किस्म का एक स्पेशल कोड असाइन कर देते हैं कि भाई आप रिसीवर साइड पे जाके आपका ये कोड जो है उसकी मदद से रिसीवर को पता चलेगा कि विच डाटा इज बिलोंगिंग टू विच यूजर। ये भी डिजिटल कम्युनिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो आप वहां पे डिटेल में देखेंगे। तो दीज आर ऑल मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम्स जिसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर एनालॉग मॉड्यूलेशन। आप इसको स्पेस डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंड दिस इज प्योरली फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन। So I think we should conclude our lecture here. Inshallah, next time we'll talk about noise in communication channel and its different aspects. Excuse me, sir. जी. Sir, slide number 10 पे एक linear transmission के बारे में दो example दी. Sir, उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बता सकते हैं? कौन सी वाली example? Non-linear. ये linear और non-linear में difference क्या होता है या कैसे? देखिए, ये तो भी जब हम communication channel पढ़ेंगे, probably शायद इसी के अंदर आएगा. आपका माइक्रो म्यूट है। नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है, ये अगली में कर लेंगे ना सर। नेक्स्ट स्टार्ट होगी क्लास। हेलो, मेरी आवाज आ रही यार? ईएमएस का स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स फिनिश दिस क्लास राइट नाउ। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।